मॉडल संकुल स्तरीय संगठन का वार्षिक आम सभा AGM के द्वारा किया गया, जिसमें ब्लॉक के सभी संकुल स्तरीय संगठनों से अध्यक्ष और दुर्गा संकुल संगठन से सभी ग्राम संगठनों के पदाधिकारी और स्टाफ, सभी CLF प्रेरक बैंक सखी, कृषि सखी, नारी अधिकार केंद्र CRP और ग्राम संगठन से आए पदाधिकारी व समूह की दीदियाँ उपस्थित रही। मंच संचालन रजनी राजा, ग्राम संगठन सीना बल कला के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन, दीदियों के द्वारा CLF गान, जेंडर शपथ से शुरू हुई। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया और ग्राम संगठन से आई दीदियों ने CLF के पदाधिकारियों का स्वागत और सम्मान किया। उसके बाद संकुल संगठन के मॉडल, CLF के प्रगति प्रतिवेदन, ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक लेन देन, वार्षिक कार्य योजना का वाचन किया गया और 30 बिंदु के महत्व के बारे में विस्तृत चर्चा की गई और उसका वाचन किया गया। उससे होने वाले लाभ के बारे में भी बताया गया। साथ ही मीराबाई के द्वारा 13 बिंदु, नए गतिविधि, ऑडिट लोकस ऐप, ग्रेडिंग, नए समूह, FNSW, जेंडर विषयों पर वाचन किया गया। ज्योति लोधी द्वारा जैविक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला गया व अधिक से अधिक जैविक खेती के लाभ के बारे में बताया गया। CLF अध्यक्ष शशिबाई द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित किया गया और सभी ग्राम संगठन से बातचीत की गई और CRPF और ग्राम संगठन पदाधिकारियों के बीच समन्वय की स्थापना की गई। इस वित्तीय वर्ष में ग्राम संगठन को कैसे बेहतर बनाया जाए और सभी की समस्याएं सुनकर उनके समाधान करने के भी प्रयास किए जाएं, इस हेतु जिला कार्यालय से कोर कमेटी बैठक में चर्चा की जाएगी। सभी दीदियों को मेरा नमस्कार एवं सरों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिता झा है, ग्राम मायापुर से हूँ। मेरे समूह का नाम पनैयाना स्व सहायता समूह है, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। और आज हम अपनी सभी बहनें, समूह से जुड़ी बहनें, हम यहाँ पर अपनी आम सभा करने आए हैं, जो दुर्गा CLF की आम सभा, वार्षिक आम सभा होती है, वो उसका प्रोग्राम रखा गया है। जो हम सभी बहनें मिलकर यहाँ आकर, जो हम समूह से जुड़कर कार्य करते हैं, उसके बारे में अपना अनुभव साझा करते हैं और ग्राम संगठन के बारे में ग्राम संगठन का अनुभव साझा करते हैं और जो भी इससे जुड़ी गतिविधियाँ हैं, समितियाँ बनी हुई हैं, उसके बारे में भी हम अनुभव साझा करते हैं इस ग्राम सभा में आकर। नमस्ते सर, मेरा नाम रजनी राजा बुंदेला, ग्राम सुनावल कला की हूँ और दुर्गा CLF में सब सचिव के पद पे हूँ। जैसे कि हर साल की भांति हमारे यहाँ दुर्गा CLF में एक आम सभा रखी जाती है, जिसमें हम 22 ग्राम संगठनों की दीदी एकत्र होते हैं और अपना हर गांव का अनुभव साझा करते हैं। और हम दीदियों को हर, जैसे हमारे यहाँ लोक अधिकार खुल गया, नारी अधिकार खुल गया, तो इसके बारे में इन सभी हिंसाओं के लिए हमने अपने लोक अधिकार नारी अधिकार केंद्र खोले हैं, जिनके हम महिलाओं को जागृत करते हैं, उसके उनके अधिकारों के बारे में हम जानकारी बताते हैं। जैसे कि गांव-गांव जाते हैं, हमने जैसे 5 समितियां बनी हैं, तो 5 समितियां हमारे समाज स्तर पर क्या क्या कार्य कर रही हैं। जैसे कुछ समितियां हमारी कर रही हैं, बकाना ऋण वसूली समिति निर्भर सामाजिक गतिविधि है, अंतरिक्ष समिति है और सब समिति सत्यापन समिति है। इस जैसे में 5 समितियाँ हैं जो हर गांव में ग्राम संगठन में बनी है, ये हमारे हर ग्राम में हम लोग काम करते हैं और CLF में भी बनी है। तो हमारे CLF में भी 25 ग्राम 16 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें हमें सभी दीदियों को आज हमारे यहाँ 300 की दीदियों की आम सभा रखी गई है। 300 दीदी हमारी आज आम सभा में उपस्थित हैं। सभी ने अपने अपनी प्रगति की, जैसे CLF की प्रगति क्या है, हमारे ताकत रूप में सदस्यता कितने सदस्यों ने दी है, कितने सदस्य हमारे ताकत रूप में सदस्यता जुड़े हो, कितन को हमने लाभ दिला चुके हैं अभी ताकत रूप में, ज्यादा कितने हमारा ऋण बचा बटा है, इस प्रगति के बारे में कितना हमारा वापस आया, इस प्रगति के बारे में पूरी जानकारी हमारी आम सभा में हम लोग महिलाओं को बताते हैं। उन्हें चाहे चेतना की तो जागृत गीतों से हम लोग अपनी गा बजा के आम सभाएँ सम्मिलित करते हैं। नमस्कार, आज विकासखंड खनिया थाना में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जो संचालित हैं स्वयं सहायता समूह, उसमें संकुल स्तरीय संगठन हमारे यहाँ 7 बने हुए हैं। दुर्गा समुदाय के संकुल स्तरीय संगठन की वार्षिक आम सभा रखी गई थी, जिसमें अपने 22 ग्राम संगठनों से, स्वयं सहायता समूह से सक्रिय सदस्य और कुछ CRPयां अपने शामिल हुई थी। लगभग 350 सदस्य आज यहाँ आए थे इस प्रोग्राम में। ये हम वार्षिक आम सभा हर वित्तीय वर्ष में करते हैं। वार्षिक आम सभा में हर संकुल स्तरीय संगठनों का प्रगति और अपने दुर्गा सामुदायिक समिति का वित्तीय लेन देन का समीक्षा होती है और आगे हम आगामी वर्ष में क्या कार्य करेंगे और इस पिछले वित्तीय वर्ष में हमने क्या कार्य किया था उसके बारे में लेखा जोखा होता है। और हमारे संकुल स्तरीय संगठनों में उप समितियाँ बनी हुई हैं,
तो वो सभी उप समितियों का यहाँ प्रस्तुतिकरण होता है कि उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में क्या क्या कार्य किया था और आगामी वित्तीय वर्ष में क्या क्या काम करेंगे, इस चीज़ का हम भी साधारण सभा करते हैं। हमारे स्वयं सहायता समूहों की मीटिंग करने के लिए हम CLF प्रेरक रखे हैं। जो CLF का खुद का स्टाफ है, क्योंकि मॉडल CLF है और इसकी खुद की HR पॉलिसी है हमारे दुर्गा सामुदायिक समिति की, उसके तहत हमने जो CLF प्रेरक या CRP रखे हैं, तो उनको हमने पुरस्कार के रूप में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको हमने बैग वितरण किया है। खन्या थाना से मुकेश प्रजापति की ये रिपोर्ट।